मजीद बात करें जबोता रातलाकोट में जबोता और अब्बासपुर शाहरा की तामीर मुकम्मल न की जा सके। इलाका मकीनों ने रातलाकोट हजीरा बंजूसा तूली पे शाहरा पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। शाहराओं के दोनों एतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में देखते हैं सैयद मसूद गर्देसी की यह रिपोर्ट। जबूता और अब्बासपुर शाहरा की अदम तामीर के खिलाफ इलाका मकीनों ने रावलाकोट अजीरा बंजोसा तोलीपीर शाहरा पर धरना देते हुए ट्रैफिक मुकम्मल बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया से जबूता और अब्बासपुर शाहरा की जल्द तामीर के लिए मुजाकरात हुए, जिस पर अमल दरामद न होने के बायस हमें मजबूरन शाहरा बंद करना पड़ी। मायदा हमारा डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ हुआ, उस मायदे में हमारा ये तय हुआ था कि जो खैगर अली सुजल अब्बासपुर रोड है उसको मेन रोड का दर्जा देते हुए जो रवा मालीसाल की एडीपी है उसमें शामिल किया जाएगा। 17 किलोमीटर रोड रवा मालीसाल एडीपी में शामिल करके उसे 24 फुट गोले के साथ बनाया जाएगा। हम तब तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक कि हमारा मुतालबा मंजूर नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो रोड है ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारे बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वो आसानी से कॉलेज में नहीं जा सकते। फायदा हुआ था इंतजामिया के साथ, उस मायदे में ये बात तय की गई थी कि इसको फेज वाइज तकसीम करके फर्स्ट फेज में 17 किलोमीटर रोड को पुख्ती के लिए रखा जाएगा और इस रोड को मेन रोड का दर्जा दिया जाएगा। और मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतियात जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मसूद गर्देजी, यूके एंड यूरोप 44, रावलाकोट, आजाद कश्मीर।